ईद से पहले कहा जा रहा था कि ईद के बाद जहां एक तरफ मौसम में हिद्दत आएगी तो वहीं सियासी माहौल में भी मज़ीद तपश आएगी पीटीआई, आए, बीएनपी, मेंगल, पीके एन पी के मैप सुन्न काउंसिल एम पर मुश्तमल सियासी जमातों ने तहरीक तहफ़ आयने पाकिस्तान के नाम से तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर दिया है इतलात के मुताबिक जमात इस्लामी भी इस तहरीक में शामिल होने के लिए गौर कर रही है जबकि सियासी अफवाहें तो ये भी हैं कि मौजूदा हुकूमत से नाराज़ मौलाना रहमान को भी इस तहरीक में शमूलियत के लिए क़ायल करने की कोशिशें की जा रही हैं इस तहरीक में शामिल अक्सर जमातों की हमायत मुल्क के मखसूस हिस्सों तक ही महदूद है मगर जमयत इस्लाम और जमते इस्लामी के पास इतनी तंजीमी सलाहियत मौजूद है कि वो स्ट्रीट को गर्म कर सके अगर ये जमातें इस तहरीक का हिस्सा बनती हैं तो ये को किसी तक मुश्किल में डाल सकती है मौजूदा हुकूमत को जहाँ पहले ही माशी महाज पर बहुत से चैलेंजेस का सामना है वहीं अंदरूनी तौर पर हुकूमत को सियासी मामला पर भी मुश्किल है काबीना में कई अहम वजरा हुकूमत की ख्वाहिश पर शामिल नहीं किए गए सैनट टिक की टिकटों की तकसीम में भी कई पुराने साथियों को नजरअंदाज करके ऐसे अफराद को अकोमोडेट किया गया है जिनका नून लीग से बुनियादी ताल्लुक ही नहीं तहरीक तहफ़ आयन पाकिस्तान के प्रोग्राम की बात की जाए तो इस, की इस तहरीक के असल और पोशीदा मकासद जो भी हों मगर ज़ाहरी तौर पर आइन और कानून की हुक्मरानी इस तहरीक के बुनियादी मकासद करार दिए जा रहे हैं इस तहरीक के प्लेटफॉर्म से ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि हुकूमत और उसके इतिहादियों के पास पार्लियामेंट में इतनी अक्सरियत है कि वो अपनी ख्वाहिश के मुताबिक क़ानून साजी करवा सकते हैं और अगर मौजूदा हुकूमत ने हुआ की तरह जल्दबाजी में की गई कानून साजी की प्रैक्टिस को अब भी जारी रखा तो क्या इस तहरीक में इतना दम होगा कि हुकूमत को कानून साजी से रोक पाए इसी तरह पाकिस्तान में तहरीकों की तारीख यह साबित करती है कि कामयाबी उसी वक्त तक मुमकिन नहीं हो पाती जब तक उसे मखसूस हल्कों से हमारे ना मिले ये सवाल भी है कि इस तहरीक में पहले ही ऐसे लीडर्स मौजूद हैं जिनकी मुल्क के मखसूस हिस्सों में हमायत मौजूद है मगर इस तहरीक में खुद बानी पीटीआई मौजूद नहीं है तहरीक के मकासद जो भी हों मगर तहरीक को एक पॉपुलर फेस की ज़रूरत रहती है और सबसे अहम सवाल के इस तहरीक के असर मकासद होंगे क्या क्या इस तहरीक को महज एक बारगेनिंग टूल के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाएगा मखसूस हल्कों की तोज्जो हासिल करने की कोशिश की जाएगी या फिर वाकई ही आइन का तहफ़ इस तहरीक का बुनियादी मकसद रहेगा हम अपने पैनल से यही जानने की कोशिश करेंगे जिस तहरीक का आगाज दो दिन कबल किया गया है बुनियादी मकसद क्या होगा और यह क्या हासिल कर पाएंगे तो किस तरह से पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार आलम शहजाद चौधरी और जैगम खान आप चारों के लिए प्रोग्राम का सवाल तहरीक तहरीक तहफ़ आयन पाकिस्तान का आगाज पहले ही माशी सियासी और दाखिली महाजों में घिरी हुकूमत तहरीक कितना बड़ा चैलेंज साबित हो सकती है हसन माजी में भी तहरीक रही मकासद तो फौरी तौर तो पर उस तरह वाजे नहीं होते जो कहा जाता है वो होता नहीं ये तहरीक जो कह रही है और बता रही है कितना बड़ा चैलेंज इस हुत के लिए साबित हो सकती है लेकिन तहरीक अपनी जगह पे थोड़ी तारीख देख लेते हैं दो ज, दो चार जुमलों में आपसे आपकी पैदाइश से पहले का वाकया है तहरीकों में मुस्तफ़ नतीजा मर्दे मर्दे हक मर्द मूमन मर्द हक जयाल अच्छा उसका अंजाम अगर याद है तो मुझे ये बताएं कि तहरीक तहफ़ आइन और वो भी आये पाकिस्तान ये क्या बेचता है इसकी क्या औकात है ना ये कुछ बेचता है ना जो चलाने जा रहे हैं वो कुछ बेचते हैं और आखिरी बात मैं फिर रर्ज करूँगा आइन पाकिस्तान का आइन क्या है चंद कागज़ों पर मुश्तमिल चीथड़ा यह पहला और आखिरी सच था जो जयाक ने अपनी ज़िंदगी में बोला है और आखिरी बात जब तक आइन के बनाने और चलाने वाले यानी सियासतदान झूठे मौका प्रस्त मक्ार जमीर फरोश नाहल और करप्ट रहेंगे ये ख़ूबसूरत सिलसिला यूँ ही चलता रहेगा और कोई किसी का कुछ बिगाड़ बिगाड़ा नहीं सकेगा खत्म अच्छा हस, हसन साहब आपने जो... तो है तो चीत छड़ाई एक मिनट एक हाँ, मिनट हाँ, एक है। मिनट एक कही मिन... है, कही, कही आइन है तो चंद कागजों पे मुश्तमिल चीत छाई उसके पीछे किरदार की कुत चाहिए डिसिप्लिन चाहिए डूज एंड डोंट्स का एक तवील सिलसिला चाहिए ये क्यों नहीं होता हम हमारा कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में तलावत ना होती हो हमारा हाल देखो प्रैक्टिस नहीं है सात बच्चे मार के बीवी मार के बंदा मर गया उसने खुदकुशी कर ली तो क्या है ये उससे बड़ा इन तो नहीं कर रहा है अर्ज पे कोई है ना तो ने भी हैं नमाजें भी हैं साल चूंकि प्रैक्टिस नहीं है सो so, सिंपल कुछ नहीं होगा इस, इनके कुछ होगा नहीं लेकिन वो एक एफर्ट तो 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 कर रहे 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 हैं 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 आपने माजी का हवाला दिया तो बिलावल इसको 2 कह रहे हैं, कि 2, 2 ये लाना चाह लेकिन साथ तो तो टेबल पर आए गुफ्तु करें और फ्यूचर के लिए रास्ता निकालें चोर और चौकीदार अगर मिल जाएं तो, तो उसमें पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल मटेरियल है इतनी इतनी भयानक बात अभी जो रिसेंटली वो सैक हो गया वो चमार कौन था एक छोटी सी मासूम बच्ची को धक्के दे रहा है एक है ट्रेन में औरत को थप्पड़ मार रहा है अभी अ नेशन अभी ह्यूमन बींग्स आइन होते हैं आशा इंसानों के लिए हम तो इंसान ही नहीं हम तो सब मैन और मैनमल्स हैं उस बच्ची को, को थप्पड़ मार सकता है हसन साहब है तो इंसान ही है लेकिन में अकाउंटेबिलिटी की कानून पर अमल दरामत नहीं करके दिखाया है इसलिए लोग कानून को अहमियत नहीं, नहीं, नहीं दे रहे हैं नहीं बस बेरू अफसर अब, अब साहब का लाडला डीएनए बस छोड़ो आगे बोलूंगा तो फिर बोलोगे के बोलता है पहले बड़ा कुछ सुनता हूं मैं हां चलिए ठीक है अब सर साहब माजी की तहरीकों एक का तो जिक्र अभी हसन साहब ने भी कर दिया है निज़ाम मुस्तफ़ा फिर बहालिया जमहूरियत और फिर हालिया जो अदलिया की आज़ादी रही तहरीक खत्म होने के बाद असल मकासद हैं नारा कोई भी लगा दिया जाए पहले इसमें भी दो तीन लोग ऐसे शामिल हैं जो कि जब पिछली तहरीक अभी जो कि चली और फिर वो सड़क पर ही ख़त्म हो गई थी लेकिन उसके बाद फिर ड्राइंग रूम में उसके मामला तय हुए जो मौलाना फजल रहमान साहब लीड कर रहे थे आपके ख्याल में इस तरीक का असल मकसद क्या है दो तीन ऑप्शन की मैंने बात भी की अपने विदाइये में मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले डीएनए पे थोड़ी सी बात कर लूं ये डी एन डीएनए की जा। बात हो रही है जी मैं, मैं आ, कोई मसला है जरूर इसमें कोई शक नहीं है कोई मसला है मेरा ख्याल वो कल्चरल प्रॉब्लम है ख्याल है डीएनए में प्रॉब्लम है तो ये जिसके अभी सच की इतनी तारीफें कर रहे थे उसका कल्चर कल्चर डीएनए पैदा करता है Evening... तो कल्चर ने का तो कसूर हुआ, हुआ तो, तो कल्चर ने ने का कसूर हुआ ना, ना. कसूर नहीं हुआ यहाँ का मुकामी यहाँ का दरावड़ वो सेंट्रल साउथ ऑफ सेंट्रल एशिया के लोगों जैसा भी हो सकता है है चले सदियों रहने वाले ठीक नहीं, 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 उनके साथ देखें जिसने जिसकी आपने जिसकी सच्चाई का भी आपने तारीफ की है उसका डीएनए भी साउथ ऑफ सेंट्रल एशिया का था और उसने जो लफ्ज़ कहे आइन पाकिस्तान के लिए वो हकारत के अल्फाज इस मुल्क के अवाम की तोह है क्योंकि जूर सल्लम का फरमाना है कि आपस तो में कोई मुहिदा कर दो तो उसे लिख लो पाकिस्तान के अवाम ने अपनी रियासत के साथ एक मुहिदा किया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया जिसको लिखा गया अगर उसका एहतराम कोई नहीं करता और ऐसे लोग जो ऊपर पर आ जाते हैं जो इंफ्लुशियल होते हैं सोसाइटी में जब वो इस तरह के अल्फाज बोलते हैं कि आयन तो चीथड़ा है तो लोग फिर इसको वाकई चीथड़ा समझना शुरू कर देते हैं कल्चर इस तरह बनता है ऊपर वाले लोगों को देख के कल्चर नीचे तक आता है लोग वैसे आते अपना लेते हैं वैसे कपड़े पहनना शुरू होते जाते हैं वैसा उनकी जुबान हो जाती है यही हमारे साथ हुआ तो यह तो हो गया हमारे जो आइन के साथ उन्होंने के। और मैं समझता हूं कि मेरे लिए तो आइन बहुत काबिल एहतराम है और वो है ना कि खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते हैं बात यह कि आइन में नहीं कसूर कसूर हमारा है हमने जो आइन को मजाक बना दिया उसकी इज्जत नहीं की उसके बाद यही होना है। जो हो रहा है तो वो पुलिस वाला ट्रेन में आइन की खिलाफ वर्जी करेगा मैं गाड़ी में जाते हुए रेड सिग्नल की खिलाफवर्जी करूँगा बस अपना अपने जिसका जांच जो जोर चलते है वो चला रहा है और जो आइन को तोड़ के साइड पर करके आ, जजों को और उनको सबको जेल भेज सकते हैं वो जेल भेज देते हैं आपके सवाल का जवाब तहरीक और हुकूमत को हकूमत जो है ना हुकूमत उसको कोई फर्क नहीं पड़ना फर्क हमें पड़ना है आवाम को पड़ना है कूमत को कोई फर्क नहीं पड़ना जो मर ये तो मतलब वो आपने वर्ल्ड वो डब्ल्यू डब्ल्यू क्या होती है वर्ल्ड रेसलिंग इस तरह की कोई चैंपियनशिप नहीं होती जी, जी, ड़ उसमें, हाँ डब्ल्यू डब्ल्यू एफ उसमें आपने देखा रिंग में बड़ा जोर जोर से लड़ाइयाँ हो रही होती है वो कुर्सियां मारे होती है उठा के बाहर फेंक देते हैं तीन तीन चार चार का ग्रुप होता है जो उनको पीछे बैठे जो उनके स्पॉन्सर्स होते हैं ना उस अरीना के नोट वुक मारे होते हैं आप नूरा कुश्ती कह रहे हैं तो इसे की थोड़ा बहुत। तो जो पशीन में नारे लगा के किया उसका कोई मकसद नहीं है नूरा कुश्ती नहीं है ये हाँ। देखें कुश्ती सही है हाँ। और मकसद सिर्फ इकतदार में आना है आयन शायन कोई नहीं है जो पहले आपके ख्याल में जो पीडीएम कह रही थी कुछ साल पहले कि जी एस्टैब्लिशमेंट पीछे हट जाए पीटीआई से फिर हम इसको देख लेंगे तो अभी क्या है अभी भी यही बात है अभी भी यही बात हो रही है ये जो तहरीके आईने पाकिस्तान क्या तहफ़ है आइने पाकिस्तान नाम भी एक बड़ा चुन के रखा है इतना लंबा ये बेसिकली है कि हम भी पढ़े हैं राहों में ये हमारे यहाँ बस ये गेम है तो की कोशिश है इकोनॉमी पर तो 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 ना इकोनॉमी पे, एक, पे किसी की तवज्जो है ना आवाम की हालत पे ना आबादी में जो इजाफा हो रहा है उस पर है ना किसी और चीज़ पर इस बात पर है कि मैं अखाड़े में बस आ जाऊँ हाथ मार के ताली बस सही बात है बस इतनी सादा सी बात को कोई खतरा नहीं हकुमत आप हुत सर हुकूमत को तो हुकूमत भी कहती थी कोई खतरा नहीं था वो वन पेज तो ऐसा कभी तारीख में ये, नहीं ये, आया ये। था मगर फिर ये तो ओवर कॉन्फिडेंस तो हो जाता देखे, है देखें आयशा आपने एक बात की थी कि एक लफ्ज लव, लव, बोला मुझे भूल गया है कि मखसूस हल्के कुछ ऐसा कुछ आपने बोला था में तो हकूमत तो मखसूस हल्के होती है बाकी तो आपको मैंने बताया शामिल वाजह चलो ठीक हो गया फिर मैं आप भी अपना अपना किनका नून लीग जिसको जाए लगाए अब ये हमूमतार है ये मैंने कहा आजाद इलेक्शन लड़ा है ना देखिये आप ये सोचे आप ये सोचे खादा पीता लाहेदा बाकी अहमद शाहेदा कि खुफिया बेल्टिंग में भी एक ऐसा शख्स सेनेटर बन गया खुफिया बेल्टिंग में जिसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं तमाम सियासी जमातों ने लाइन बना के वफादारी के साथ उसको वोट डाला सबसे ज़्यादा तकरीबन उसको वोट पड़े हैं मेरे ख्याल में ठीक कह है रहे हैं दाद दें पार्लियम को, को जब कि जो अपने मफाद में, में कुछ करना चाहे तो कुछ भी कर सकती है आगे बढ़ते मैं, हैं पार्लियामेंटेरियन की कमिटमेंट पे उनकी लॉयल्टी पे उनकी इस इस बात पे कि उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग नहीं करनी और जो उन्होंने वादा किया वो पूरा करना ये बड़ी अच्छी बात की है ठीक हो गया ठीक हो गया जबरदस्त करती है ना देखिए आपके सामने है ना